दोस्तों, अगर आप हैंगओवर स्टाइल में छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो सही मायने में ये जगह आपके लिए अच्छी होने के साथ साथ बेहद मजेदार होने वाली है। आप सभी को सुनकर लग रहा होगा मैं बैंकॉक, थाईलैंड या बाली की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पटाया सिटी के बारे में, जो आज के टाइम में लोगों के घूमने के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। फ्रेंड्स के साथ छुट्टियों पर जाना हो या अपने पार्टनर के साथ मेमोरेबल ट्रिप पर या फिर सोलो ट्रिप पर ही क्यों ना जाना हो। और तो और, पटाया उन लोगों का भी पसंदीदा प्लेस है जो बाहरी दुनिया से बेखबर होकर कुछ समय अपने लिए जीना चाहते हैं। पटाया छोटी सी एक ऐसी दुनिया है जो आपको साधारण दुनिया में रहना भुला देगी। यहाँ की तड़क भड़क आपको बिल्कुल मदहोश कर देगी। इसीलिए पटाया सिटी आज के टाइम में दुनिया भर में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगहों में से एक बन चुकी है। आपको बता दे, जो भी एक बार पटाया सिटी की यात्रा कर लेता है तो वह अपनी ट्रिप के शानदार अनुभव को कभी नहीं भूल पाता। अब अगर आप भी पटाया सिटी की ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले एक बार हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें आप पटाया सिटी की नाइट लाइफ और यहाँ के बेस्ट प्लेसेस के साथ साथ यहाँ से जुड़े फैक्ट्स के बारे में भी जान सकेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, चैनल से जुड़े नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि पटाया थाईलैंड की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित चोनबुरी प्रांत का एक छोटा सा शहर है। 50 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ यह थाईलैंड का 10वां सबसे बड़ा शहर है। साथ ही 2022 तक पटाया की जनसंख्या 1 लाख से भी कम थी। यह जनसंख्या के हिसाब से देश का 22वां सबसे बड़ा शहर है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक समय था जब इस शहर का नाम टपाया हुआ करता था, लेकिन बाद में अधिकारियों ने इसका नाम बदल कर पटाया कर दिया। अगर आप पटाया जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें, यहां जाने का सबसे परफेक्ट टाइम नवंबर टू फरवरी तक होता है। अब बात करते हैं पटाया के उन डेस्टिनेशन की जहां आप नहीं गए तो आपकी यात्रा असफल है। पटाया बीच शहर के सबसे लोकप्रिय बीचेस में से एक है, जो अपने शांत वातावरण, साफ पानी और रेतीले तट के लिए जाना जाता है। यह शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। साथ ही पटाया में पर्यटन में वृद्धि होने का सबसे बड़ा कारण इसकी नाइट लाइफ है। आपको बता दें कि पटाया को पार्टी पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहां रात रात भर पार्टियां चलती रहती है। आपको बता दें कि पटाया का 1 किलोमीटर लंबा वॉकिंग स्ट्रीट आपको कुछ ही क्षणों में रंग बिरंगी दुनिया की सैर करा देगा। कतारों से लगे टिमटिमाते क्लब आपको अपनी तरफ आकर्षित करे बिना नहीं मानेंगे। अगर आप पार्टी करने के इच्छुक नहीं भी हैं तो आप खो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का म्यूजिक आपको पैर थिरकाने पर मजबूर कर देगा और आप पार्टी के परिंदे बन जाएंगे। आप अपना पूरा हफ्ता यहाँ बिना निराशा के बिता सकते हैं, क्योंकि आप मधुमक्खी की तरह इस स्ट्रीट से चिपके रह जाएंगे। अगर आप अपने साथी के साथ कुछ बेशुमार पलों को बिताना चाहते हैं तो बेझिझक होराइज़न रूफटॉप पर आइए। आपको यहाँ खुले आसमान को अपने अंतःकरण से महसूस करने का मौका मिलेगा। छिपे हुए सूरज की बुझती लालिमा का नजारा भी एक अनोखी खुशी को बयां करता है। डिम नियॉन ब्लू लाइट और बड़े बड़े सोफे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा के माहौल को बेहद रोमानी बना देते हैं। इसके अलावा अगर आप एक अलग ही दुनिया में खोना चाहते हैं तो आपको आइस बार कॉकटेल में जरूर जाना चाहिए। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप बर्फ की दुनिया में आ पहुँचे हैं। पूरा इंटीरियर सफेद है, कुर्सियों से लेकर ग्लास तक सब बर्फ के बने हैं। धीमा और मधुर संगीत आपके मन को खुशनुमा कर देगा। आपको स्वेटर जैकेट पहनने की जरूरत पड़ेगी, जो बार द्वारा ही आपको दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। यहाँ की कॉकटेल्स आपको गर्म रखने में आपकी हेल्प करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटाया एक ऐसा शहर है जहाँ की आपकी यात्रा बिना मालिश या स्पा के पूरी नहीं हो सकती। थाईलैंड के अन्य शहरों की तरह पटाया भी पारंपरिक थाई मालिश और या स्पा के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो जब भी आप पटाया जाएं, स्पा जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने हमेशा आकाश में उड़ने का सपना देखा है तो आपका वो सपना पटाया के नॉक खोक पर पूरा हो सकता है। यहाँ आप स्काई डाइविंग का आनंद लेते हुए एक पक्षी की तरह आसमान में बादलों से बात कर सकते हैं। पटाया में कुछ सबसे अद्भुत पानी की दुनिया है। साथ ही यहाँ का रामायण वाटर पार्क दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, जहाँ आप स्कॉलिंग, स्कूबा डाइविंग, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, बनाना बोटिंग आदि जैसे खेलों का रोमांच भी अनुभव कर सकते हैं। पटाया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक जगह फ्लोटिंग मार्केट है। यहाँ पर सारे स्टॉल्स नाव पर बने हैं।
अगर आप पटाया घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक बार पटाया फ्लोटिंग मार्केट देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सत्य का अभयारण्य सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सत्य का मंदिर या सत्य का अभयारण्य पटाया की एक बहुत ही खास संरचना है और पूरी तरह से सागौन की लकड़ी के जटिल नक्काशी से तैयार किया गया है। साथ ही यह हिंदू मंदिर और बौद्ध देवताओं व अन्य पौराणिक मूर्तियों से सजा हुआ है। पारंपरिक शैली में बना हुआ सत्य का मंदिर शांति और स्थिरता का प्रदर्शन करता है। तो अब अगर वीडियो को देखकर आप भी पटाया जाने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि पटाया का अपना हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन आप पटाया जाने के लिए सुवर्णभूमि हवाई अड्डे के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। यह हवाई अड्डा पटाया से 120 किलोमीटर दूर स्थित है। पटाया शहर रेल मार्ग द्वारा बैंकॉक से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो ट्रेन से बैंकॉक और पटाया के बीच की यात्रा करने का एक किफायती और सस्ता तरीका है। साथ ही आप बैंकॉक से पटाया सिटी बस की मदद से भी जा सकते हैं और मात्र 2 घंटे में आप पटाया में होंगे। तो ये थी पटाया सिटी की कुछ बहुत ही खास जगह जहां आप सुकून से अपनी वेकेशंस पर मना सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।